अलीगढ़ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद सरकार के चंगुल से मुक्त हुए जिलाधिकारी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जिले में लगे सभी होर्डिंग को उतारे जाने का फरमान सुना दिया। डीएम द्वारा होर्डिंग्स को लेकर सुनाए गए फरमान के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कोई भी होर्डिंग 48 घंटे के बाद शहर या देहात क्षेत्रों में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम को चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के तहत अलीगढ़ में चुनावी सामग्री होर्डिंग और बैनर उतरवाने के लिए नगर निगम की टीम को साथ लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम सड़कों पर उतर चुकी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी कलानिधि नेथानी ने संयुक्त रूप से अपनी टीम के साथ एसबीआई घंटा घर पर पहुंचकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों में एक्टिव हो चुकी है। चुनाव से संबंधित सभी सामग्रियां हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 48 घंटों में इसी तरह की सभी सामग्रियां शहर से ही देहात क्षेत्रों से हटाते हुए होर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा। हमारा टीम से सभी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में प्लस गांव पंचायतों में टीम्स रेडी है। तो एमसीसी का 48 आवर्स में हम लोगों को सभी जो भी इलेक्शन सिंबल्स और बाकी जो है चुनाव रिलेटेड मटेरियल तो रिमूव करना है। उसके तहत हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया है, सभी जगह का चल रहा है उसमें। आपकी देख रेख में कहाँ कहाँ सारे गई? नहीं, सभी जगह कर रहे हैं, पूरे अलीगढ़ में आज अभियान चलेगा। फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को सभी उतारना है और इलेक्शन कमीशन को कंप्लायंस देना है। तो सभी टीम्स लगे हुए हैं पूरे जिले में। चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होना है, तो उसी के तहत हम लोग एमसीसी पूरा अनुपालन करेंगे उसमें।